हेलो एंड वेलकम, मैं मनीषा, स्वागत है आपका टुडेज की दुनिया में, जहां आपका होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के लक्ष्मी बॉम्ब की। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार किसी भी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। इन दिनों अक्षय काफ़ी बिजी हैं, उनके पास कई फिल्में हैं और जिनमें से कुछ फिल्मों की शूटिंग तो वे पूरे भी कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में उनकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था। राघव लॉरेंस के निर्देशन में बनी लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार जो है वो भूत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में ट्रेलर में अक्षय कुमार के ट्रांसजेंडर भूत की झलक देखने को मिल गई है। अक्षय कुमार अपनी इस फिल्म के साथ एक ऐसे विषय के जरिए दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक उपेक्षित रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह फिल्म जो है अक्षय कुमार के लिए विशेष है, क्योंकि अक्षय कुमार की यह पहली फिल्म है। साथ ही इसमें वे पहली बार एक ट्रांसजेंडर भूमिका में हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि देश में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूत्रों का कहना है कि ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज़ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लक्ष्मी बॉम्ब ट्रेलर को सराहना करते हुए ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो कि कोई संयोग नहीं है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय के किरदार को तैयार करने में न केवल अपना योगदान दिया बल्कि सिनेमा में भी थर्ड सेक्स की स्वीकृति के लिए भी एक पहल के साथ आना था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार के नाम लक्ष्मण और लक्ष्मी होंगे। इस फिल्म में अक्षय कियारा के साथ ही तुषार कपूर, शरद केलकर मुख्य भूमिका में दिखेंगे। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब तमिल फिल्म कंचना का रीमेक है। जी हाँ दोस्तों, तो आप कितने एक्साइटेड अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब को देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।